अस्सलाम वालेकुम। और ये जो पिक्चर्स आपको नज़र आ रही हैं ये हैं शीज़ पार्क फुजैरा की। दोस्तों हमने प्रोग्राम बनाया है कि फुजैरा जाया जाए और वहाँ पे क्योंकि एक नया पार्क बना है तो हमने कहा वहाँ का रुख करते हैं। तो कोविड की वजह से वैसे भी काफ़ी टाइम हो गया था पूरे घर से निकले हुए, तो सब लोग यूँ समझ लेंगे भूखे बैठे हुए थे बाहर घूमने के लिए। तो एक नया पार्क भी बना था, गवर्नमेंट ने एक फैसिलिटी दी, तो सब ने प्रोग्राम बनाया कि चले जाते हैं फुरफा खान, और रास्ते में पड़ता है फुजैरा का शीज़ पार्क। सो हमने डिसाइड किया है कि पहले हम चेक करते हैं कौन सा रास्ते से जाना चाहिए। तो दो तीन रास्ते यहाँ पर जाने के लिए, अगर आप शारजा से जाते हैं तो S116 का एक रोड आता है, और एक है खुरफकान रोड, और दूसरा आता है दैद अल मसाफी का रोड। तो क्योंकि हमें नए टनल्स को भी इंजॉय करना था तो हमने अल मसाफी वाला जो रोड है वो हमने लिया। और ये रास्ता जो है तकरीबन आपका शारजा सिटी से आपका पड़ता है ये फुजैरा शीज़ पार्क का 1 घंटा 3 मिनट या इस तरह 1 घंटे का। तो आप देख सकते हैं इस वक्त रात के क्या टाइम हो रहा है। जी नहीं, ये रात का टाइम नहीं है, ये सुबह का टाइम है और सुबह के 5 बजे में। ख़ास वजह ये है सुबह 5 बजे जाने की, क्योंकि हमने लास्ट टाइम कोशिश की थी तो जब हमें मौका नहीं मिल सका था वहाँ जाने के लिए, तो हुआ ये था कि नया पार्क है और हर पब्लिक जो है वो वहीं जा रही थी, तो हम वहाँ पहुँचे लेकिन रास्ता नहीं मिल सका हमें और रोड बंद था, फिर हम वहाँ से खुरफकान निकल गए। तो इसलिए हमने डिसाइड किया जाना ज़रूरी है, तो देखेंगे पार्क किस तरह का है। तो हमने चूज़ किया कि हम सुबह 5 बजे यहाँ से निकलते हैं। तो ये सुबह 5 बजे का टाइम है, 1 घंटा में लगना था पहुँचने के लिए। तो बीच के रास्ते की मैंने वीडियो जो है वो इसमें से डिलीट कर दी है। सो आप ये देख सकते हैं टनल आ रही है यहाँ पर, और ये जो टनल है इसका नाम है रॉक टनल। ये 1.3 किलोमीटर का इसका डिस्टेंस है। तो अगर आप जाएंगे शीज़ पार्क तो ये एक टनल पड़ेगी, और इसके ख़त्म होते ही जब दूसरी टनल थोड़ी दूर पर आएगी तो उससे राइट साइड पर रास्ता जाएगा, तो वो शीज़ वादी शीज़ में दाखिल हो जाएंगे आप। तो अगर आप वादी शीज़ के अलावा अगर आप खुरफकान जाना चाहते हैं तो आपको टोटल 5 टनल्स पड़ेंगी। एक पड़ेगी रॉक टनल 1.3 किलोमीटर, एक अलगाजीर टनल आएगी 900 मीटर्स की, एक आएगी अलसहा टनल जो 300 मीटर्स की होगी, अलसकब टनल आएगी 1.4 किलोमीटर की, और अलसिद्रा टनल जो कि मिडिल ईस्ट की सबसे लंबी टनल है 2.7 किलोमीटर की। तो खुरफकान जाते वक्त ये सारी टनल जो है एंजॉय कर सकते हैं। तो ये एक ही टनल आपकी आएगी वादी शीज़ में। अगर आप जाना चाहें तो आप देख सकते हैं जैसे कि हम यहाँ वादी शीज़ में पहुँच चुके हैं और सुबह का टाइम है, और इस वक्त टाइम हुआ है यहाँ पर तकरीबन 6 बज गए हैं सुबह के, और बड़ा ही अच्छा मौसम, खुशगवार मौसम बिल्कुल, और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, और आप देख सकते हैं कुछ रोशनी जो है वो आसमान में नज़र आएगी बादलों के झुरमुट में। ये शीज़ पार्क बना हुआ है, इसको अरबिक में हदीका शीज़ भी कहते हैं, और आपको बोर्ड नज़र आ रहा होगा मस्जिद का। तो यहाँ पे मस्जिद इस वक्त नहीं है लेकिन इस बोर्ड के पीछे कंस्ट्रक्शन चल रही है, जहाँ पे एक मस्जिद यहाँ पे जो है वो तामीर की जाएगी। और देखिए पब्लिक कुछ पहुँचने शुरू भी हो गई है यहाँ पर, बड़ा खूबसूरत मौसम। और हम जब यहाँ पहुँचे हैं तो हम ये समझे थे कि ये पार्क खुला हुआ होगा, लेकिन बाद में पता चला कि ये सुबह 7 बजे जो है ओपन होता है। तो आधा घंटा हमारे पास था, हमने उस वक्त जो है फजर की नमाज़ पढ़ी और फिर हम वेट करने लगे, तो इस दौरान जो है वो पार्क खुल गया। तो आप देख सकते हैं कि एक आबशार भी बह रही है अंदर से, ये मैन मेड है, ये कोई ओरिजिनल आबशार नहीं है। ऊपर देखिए आपको कुछ रेलिंग दिख रही होंगी, ऊपर जाने का रास्ता भी है। और यहाँ से आप थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो वहाँ पे एक और रास्ता है जो वादी में जा रहा है, वो भी बड़ा खूबसूरत रास्ता है, थोड़ा सा डेंजर भी है क्योंकि अभी कुछ कच्चा पक्का रास्ता है बीच में। तो बहुत अच्छा मौसम है इस वक्त, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और बादलों का देखिए आप किस तरह से, कहीं आपको बादल नीचे दिख रहे होंगे, कहीं फोग भी दिख रही होगी आपको। तो आप अगर यहाँ नहीं आए हैं कभी तो ज़रूर आए यहाँ पर, और बेस्ट टाइम इस वक्त यही है कि आप सुबह आए यहाँ पर तो आप अच्छी तरह से इंजॉय भी कर सकते हैं। ये देखिए कितने खूबसूरत पहाड़ हैं, मौसम बहुत प्यारा, ये नवंबर का महीना है। ये देखिए खूबसूरत मंजर। सो हम सुबह यहाँ इंतज़ार ही कर रहे थे कि ये पार्क किसी तरह खुले 7 बजे और हम अंदर जाके देखें कि यहाँ क्या सूरत हाल है, किस तरह से, क्योंकि बहुत तारीफ सुनी थी इस पार्क की। तो हमने कहा ज़रूर जाएंगे, हमारे साथ और भी कुछ फैमिली फ्रेंड्स थे तो काफ़ी हमने इंजॉय किया। रास्ता पहली बात तो बहुत खूबसूरत है, उस रास्ते को आप इंजॉय करेंगे पहले,
रात का टाइम, सुबह का टाइम था, बट हमने जो पिक किया था बहुत अच्छा टाइम था, रश भी नहीं मिला हमें रास्ते में, हम ही लोग गुजर रहे थे रोड पर और कोई भी नहीं थी गाड़ी वहाँ पर, तो बड़ा ही मज़ा आया। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब गेट खुल चुका है, तो अब आगे अंदर जाके देखते हैं कि अंदर क्या क्या है, तो आइए हम वीडियो को एंजॉय करते हैं। Thank you.